दंगल टीवी के सुपर हिट सिनेमन सुंदर में देखेंगे, जहाँ पर अग्नि ने पकड़ लिया रूही को बाबा के मदद से और उसे फंसा दिया है पिंजरे में। तो कैसे बचेगी रूही उस पिंजरे की आजाद से, क्योंकि अग्नि ने तो आत्मा समझकर रूही को कैदी करवा दिया है। जैसे उससे यहाँ पर जब डरती है रूही से अग्नि, तो फिर से हो जाती है उसी बाबा के पास, जहाँ पर वो दिखा कर आई होती है वो धागा लेकर। धागा लेने के बाद कहती है, बाबा वो आत्मा तो मुझे मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आप मुझे बचा लीजिए। वो कहता है, मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊँगा और अगर तुम बेगुनाह हो तो। अग्नि लेकर उसे जाती है अपना गुरु बनाकर घर में, कहती है कि मेरे घर वाले इस सब बातों पर जो है विश्वास नहीं करते, आपको किसी दूसरे हिसाब से चलना होगा मेरे घर में। तो वो बनकर जाता है अग्नि का गुरु। वो कहती है, जब मैं लंदन में पढ़ाई कर रही थी तो ये मेरा बहुत साथ दिए थे और इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर लाई हूँ, बहुत सिद्ध पुरुष हैं। सोनी कहती है, ठीक है। वो अग्नि पूछती है, 2-3 दिन क्या ये मेरे घर में रह सकते हैं आपके? सोनी कहती है, क्यों नहीं, तुम्हारे गुरु बाबा तो ज़रूर रह सकते हैं। यहाँ पर रूही कहती है कि ऐसे कुछ नहीं होगा और डराना होगा अग्नि को फिर से। तो रूही जाती है डराने के लिए और बाबा जो है सब सामान मंगा कर पिंजरा उंजरा सब कुछ रखा होता है। जब वहाँ पर रूही आती है तभी वहाँ पर वो पिंजरा गिरा देता है और फंस जाती है। वो कहता है, तू कैसे भी आत्मा है, मैं तुझे पकड़ कर कैद कर लूँगा और आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अग्नि कहती है, जहाँ मैंने रूही को गाड़ा था वहीं पर इसकी आत्मा को भी गाड़ दूँगी और कभी भी मुझे परेशान नहीं करेगी। यहाँ पर खाना बनता है और जूही आती है सभी को, समर को फ़ोन करके और कहती है कि मुझे रूही की बहुत याद आ रही है, मुझे उसका सामान देखना है। वो उसका सामान देखने के लिए रूम में जाती है, नाहर मान जाता है। सोनी कहती है, मैंने तो उसका सामान तो कहता है नाहर की स्टोर रूम में रखा था, मुझे पता है, मैंने फिर से अपने कमरे में लगा दिया। वहाँ जाती है रूही खाना लेकर, जूही रूही के लिए, दोनों बहनें मिलकर खाना खाती हैं और खाना खाने के बाद वहाँ पर अग्नि आती है, उन दोनों की बातें सुन। जब वो कमरे में जाती है तो कहती है कि तुम रूही से बात कर रही थी ना, मुझे पता है, अब बताओ तुम कि रूही कहाँ है। वो सब तरफ खोजने लगती है, उसे खोजते वो कुछ नहीं पाती है। उसके बाद जूही अपना नाटक शुरू कर देती है, रूही पीछे होती है और पीछे होने के बाद वो उसको देखती है, शीशे में रूही दिखती है और जूही, दोनों लोग अग्नि को डराने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं और कोशिश करने के बाद यहाँ पर अग्नि पूरी तरह से डर जाती है और नाहर को बुलाने लगती है। सभी लोग कहते हैं, अग्नि क्या हुआ, तुम रूही के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही, तो हमें इसीलिए उसके सपने आ रहे हैं, सदमा तुम्हें लगा है। कहती है, दादी की नाक से खून आ रहा है। तो सोनी कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें माँ जी के साथ जाँच की ज़रूरत है और तुम भी डॉक्टर को दिखा लो। ये सब सभी लोग जब चले जाते हैं, अग्नि कहती है कि ये सब मेरा भरम है या फिर सच में मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, क्या रूही नहीं थी और ये जूही का बिहेवियर। यहाँ जूही सबके आने से रोने लगती है और कहती है कि मैं तो बस रूही की फ़ोटो को लेकर रो रही थी। और यहाँ पर अग्नि आई और कहने लगी कि मुझे छोड़ो, बचाओ, पता नहीं इसे क्या हो गया। और यहाँ पिंकू और मलिष्का की शादी की तैयारियाँ हो रही हैं, जोरों शोरों से पूनम कर रही है क्योंकि उसे पता नहीं है कि मलिष्का ही पलक है और पलक ही मलिष्का बनी हुई है। तो देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है क्या होता है, कि पलक और पिंकू की शादी होगी या फिर नहीं।